वीडियो बनाई थी मार्बल कटर के ऊपर। मार्बल कटर की कंपनी थी डोंगचिंग की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी लोगों की कंप्लेन, काफी लोगों की कमेंट मेरे पास ये आई थी, व्हाट्सएप पे मैसेज काफी आए थे और उसने उन्होंने बोला था कि आप डोंगचिंग की क्वालिटी अच्छी है लेकिन रेट थोड़ा ज्यादा है, रेट कम लेके आइए और क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं उन भाइयों के लिए आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज की वीडियो भी मेरी कटर, मार्बल कटर के ऊपर होने वाली है, जो कि आपको आपका काम और भी आसान बनाएगा। और दोस्तों आज की वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ एक्स्ट्रा पावर की मार्बल कटर के ऊपर, जिसके अंदर तीनों मॉडल मेरे आपको दिखाई दे रहे हैं, एस ए, एस बी और CM5 मॉडल, जो एक्स्ट्रा पावर कंपनी का है। और दोस्तों आज की जो रेंज है, जो रेट की बात करें, वो रेट भी थोड़े से कम लेके आऊं कि आपको खरीदने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सलीम भाटी, आप देख रहे हैं सलीम द टूलमैन, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो है वो मार्बल कटर के ऊपर होने वाली है। सबसे पहले मैं मार्बल कटर लेके आऊं XPT 412 नंबर, आप देख पा रहे हो मॉडल इसके ऊपर अंकित है, एक्स्ट्रा पावर कंपनी का ब्रांडेड लोगो है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, और ऐसे बॉडी की जो तस्वीर छपी हुई है वो डब्बे ऊपर आपको दिखाई दे रही है। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, आपको क्या मिलेगा इसके साथ में, क्या क्या चीज़ इसके साथ में आती है और सब कुछ आपको बताया जाएगा, एक अच्छी तरीके से डिटेल के साथ बताया जाएगा। हमने मार्बल कटर को निकाल लिया है, मार्बल कटर एस ए बॉडी आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा नया डिजाइन का एस ए आया है, XPT 412 सीरियल नंबर नीचे अंकित है, वाट देख सकते हैं आप 1100 वाट की मशीन है और 13000 राउंड के साथ में आपको मिलेगी। आगे का जो बॉडी, जो हेड बनाया गया है वो 4 इंच 5 दोनों के लिए बनाया गया है कि आप 5 इंच का भी डाल सकते हो, और एक स्टिकर भी एक्स्ट्रा पावर कंपनी का इसके साथ में लगा हुआ है। आपको साथ में एक स्पिनर दिया जाएगा, एक चाबी ये भी दी जाएगी जिसमें आप आगे का नट खोल सकते हो, छोटी सी लेवल पाइप दी जाएगी जिसके जरिए आप पानी ब्लेड के ऊपर डाल सकते हो, कार्बन ब्रूस आपको साथ में दिया जाएगा, एक डोट जिसको पेन बोलते हैं एक्स्ट्रा पावर कंपनी का वो आपको दिया जाएगा, और आपको एक डायरी दी जाएगी और एक कैटलॉग दी जाएगी एक्स्ट्रा पावर कंपनी की। वो इसलिए दी गई है आपको कि आप और भी अच्छा काम करो और इस डायरी के अंदर आप नोट कर सकते हो, पेन डायरी इसीलिए दी गई है। इसके अलावा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जानदार क्वालिटी है। बात करें इसके रेट की तो इसका रेट होने वाला है सिर्फ 2300 रुपये में आपको एस ए मॉडल एक्स्ट्रा पावर का दे दिया जाएगा, जो आप एक चलाने के लिहाज से और एक क्वालिटी के लिहाज से आपको बहुत अच्छा बनाता है। इसके बाद में मेरे पास जो मार्बल कटर है वो है XPT 411, जिसको एस बी मार्बल कटर बोला जाता है, और उसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, महत्वपूर्ण बात, कि इन सभी चीजों के अंदर कैटलॉग है, डायरी है, पेन है, और आपको स्पेनर की चाबी है, लेवल पाइप है, वो आपको हर चीज के साथ में मिलेगा जिसमें आपको यूज होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में SB कटर कौन सा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। SB क्यों बोलते हैं इसको, SB का मतलब इसी का पीछे का साइड है वो एक तरीके से स्लोप होती है, स्लोप बॉडी बोलते हैं जिसको, और ये इसको स्लोप बॉडी है इसीलिए इसको चिपटी बॉडी भी बोलते हैं, तो इसलिए इसको SB मॉडल बोलते हैं, स्लोप बॉडी। और जानदार चीज है, आप देख पा रहे हो इसके अंदर इसके जो राउंड है वो 1240 राउंड है, 13000 राउंड आपको मिलेंगे। इसके पीछे लिखा हुआ है जानदार कंपनी का, जानदार ब्रांडेड लोगो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अंकित है, और आगे का जो हेड है वो 4 इंच का बनाया गया, जिसके अंदर 110 mm की ब्लेड आप डाल सकते हो और बढ़िया तरीके से इसको चला सकते हो। इसके अलावा बात करें इसके रेट की, तो इसका रेट मैं आपको बता देता हूँ, रेट इसका होने वाला है 2450 रुपये। 2450 रुपये में आपको SB मॉडल एक्स्ट्रा पावर कंपनी का बाटेटोलम आपको दे दिया जाएगा, बाटेटोलम आपको दे देंगे। इसके अलावा बात करें तीसरे मॉडल की हमारे, तो वो मॉडल होने वाला है XPT 417 मॉडल,
417 मॉडल है जो एक्स्ट्रा पावर कंपनी का, उसके अंदर भी आपको डायरी पेन वे टोटली सामान आपको दिया जाएगा जो इसके साथ में एक्स्ट्रा पावर कंपनी साथ में देती है। और इसको हमने निकाल लिया है, ये मार्बल कटर भी हमने निकाल लिया है। अब बात करें इसके क्वालिटी की, तो क्वालिटी इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि इसके आगे का जो हेड है वो 5 इंच का बनाया गया, आप 5 इंच का ब्लेड डाल सकते हो। आप ग्रेनाइट, हैवी ग्रेनाइट काटते हो या हैवी दीवार काट रहे हो, दीवार के अंदर आप पाइप डाल रहे हो, तो आपको 5 इंच का 6 इंच का ब्लेड डालना पड़ता है, तो आप 5 इंच का ब्लेड इसके अंदर डाल सकते हो। इसके अलावा वाट की बात करें, वाट इसकी जो पावर जिसको शक्ति बोलते हैं वो इसका 1680 वाट है, और इसके राउंड है वो थोड़े से कम बनाए गए हैं कि आपकी मशीन ये जले ना और भी बेहतरीन चले। इसके राउंड है वो 8200 mm है, 8200 राउंड पर मिनट के हैं। तो दोस्तों इसकी क्वालिटी काफ़ी हैवी है, डोंकिंग के बराबर टक्कर देने वाली मशीन है, और पीछे का जो स्लेब बनाया गया है, नीचे की प्लेट बनाई गई है, बेस जिसको बोलते हैं, वो बेस आपको राउंड में करने को आपको टेपर करने काम आ जाएगा। 45 डिग्री 90 डिग्री आप कर सकते हो इसको, और अपना काम भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोग तीनों कटर मशीन के बारे में बता दिया है, मार्बल कटर के बारे में बता दिया है। अब आपको डिसाइड ये करना होगा कि यदि आप दीवार काटने का काम करते हो, या आप मार्बल ग्रेनाइट हैवी चीज़ें काटते हो, या आपका काम परमानेंट टाइल का ही है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी कटर मशीन बेस्ट होने वाली है। मैंने तीनों कटर मशीन के बारे में बता दिया है, CM4SA मॉडल जिसका मॉडल है XPT 412, और CM4SB जिसका मॉडल है XPT 411, और CM5 जिसका मॉडल है XPT 417। तो तीनों मॉडल बता दिए हैं, तीनों क्वालिटियां बता दी गई है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कटर पसंद आया है और कौन सा कटर आपको लेना है। तो दोस्तों कमेंट करके आपको ये बताना जरूरी है कि आपको कौन सा मार्बल कटर पसंद है। यदि आपको पसंद नहीं आया है, बाय चांस आपको मार्बल कटर पसंद नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा मार्बल कटर पसंद है, हम उसकी ही वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखें, और हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।